इकरार हुआ था। बस कर दो हरी, क्यों अपने जात की जुल्म कर रहे हो? ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। अरे तुम्हारी बहन का हाल देखो, इसकी वजह से। तुम इसे तलाक दो। इसको तलाक नहीं दूंगा। तुम्हें तो कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन साध खबरदार तुम भी साथ को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हारी जान ही छूट। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अरीब, 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। आपके बेटे की हिम्मत कैसे हुई हम पे हमला करवाने की? किसने तुम्हें इस घर में घुसने दिया? गार्ड, गार्ड! अपने बेटे को लगाम दे, क्योंकि इस दफा जवाब मुंह तोड़ मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। लगता है तुम्हें फिर से थाने की हवा खानी है। बात कर रहा हूँ। मेरी फैमिली पे हमला किया, माही के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर बात कर दूंगा तुम लोगों को। बात कर दूंगा। हटो ये घर से, और दोबारा इस घर का रुख किया तो जिंदगी भर के लिए अंदर करवा दूंगी। पर चाहे पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं। हिम्मत कैसे हुई हूँ गुस्से की हमारे घर में? और तुम क्या मेरा मुंह देख रहे हो? दफा जाओ यहाँ से। काम रहो तुम्हारी जान, काम रहो। साथ? अरे क्या हुआ बेटा, ये चोट कैसे लगी है? वो मी गाड़ी के आगे बच्चा आ गया था, उसको बचाते बचाते फुटपाथ टकरा गई गाड़ी। तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी। या अल्लाह, मैं पानी ले लूँ। नहीं नहीं, यहाँ बैठो, मैं लेकर आती हूँ। दवाई ले लो। तुम भी खा लो प्लीज, तुम्हें भी लगी है। तुम्हारा दर्द देख के अपना दर्द भूल गई हूँ। हाँ, बहुत बहादुर हो गई हो, मेरे जख्मों में अपने दर्द को छुपाना आ गया है तुम। इसको बहादुर होना नहीं, एहसास करना कहते हैं। एहसास या फिर मोहब्बत? क्या हो, गलत कहती हो? नहीं, जहां मोहब्बत होती है वहीं पर एहसास होता है। नींद दवाई खा लो, बातों में लगा देते हैं। खूबसूरत बातें करता हूँ कि मेरी बातों में उलझ जाती हो। तुम्हारा साथ खूबसूरत है। तुम्हें छोड़कर अरीब के घर गया था। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरा नाम जावेद आलम।
आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, कल रात को थाने में माहिर अजहर नामी एक खातून आई थी अपने शौहर साद हुसैन के साथ। उन्होंने अपने शौहर के साथ आपके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कीमत बताओ जी। अरीब, मैडम उन्होंने अरीब के खिलाफ कातलाना हमले का इल्ज़ाम लगाया और ये कि उनकी फैमिली को हैरेस भी किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और आपने मान लिया, मतलब कि कोई भी थाने में आके मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है और आप मेरे घर पहुंच जाएंगे? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। हमें अच्छी तरह एहसास है कि हमने और हमारे बड़ों ने आपका नमक खाया, भला हम नमक हरामी कैसे कर सकते हैं? बड़ा मसला, बड़ी कीमत। थैंक यू, अब सारे मसले हल हो जाएंगे। गुड मैडम, मुझे इजाजत। जाइए। That's how you do it. मैं तंग आ गई, I'm sick of it. आज से पहले पुलिस की हिम्मत तक नहीं थी कि हमारे घर के चक्कर लगाए, और आज उस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ FIR कटवा ली। उसे अपनी कीमत मिल गई ना। हर मुश्किल का हल पैसा नहीं होता। अच्छा, कितने का चेक दिया था आपने माहिर को मेरी जिंदगी से निकलने के लिए? से? सब बिका हुआ है मॉम, आपका बेटा भी। कहने को तो दुनिया की सारी दौलत है मेरे पास, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे गरीब और बदनसीब बिका हुआ है। अरे स्टॉप, तुम किस तरह से बात कर रहे हो? चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो मेरे साथ, चलो चलो, कम ऑन, चलो। बता रहा हूँ उनसे तो सब। चलो चलो अरीब। हाँ छोड़ो मेरा, what's your problem? What's my problem? What's your problem? वो लड़की तुम्हारे घर तक तुम्हारे लिए पुलिस भेज चुकी है, अब किस बात की कसर बाकी रह गई अरीब? तुम उस लड़की का पीछा छोड़ क्यों नहीं रहते? ऐसे कैसे छोड़ दूँ? बेवफाई की है उसने मुझसे, पुलिस भेजी है मुझे अरेस्ट करने के लिए। देखो मैं उसे खानदान के साथ करता क्या हूँ। अरे देखो मेरी बात,
पुलिस स्टेशन से कोई कॉल आई, कह रहे थे ना कल बताएंगे। अभी तक तो नहीं बताया। पता था मुझे ऐसे ही होते हैं ये लोग, हम जितनी मर्जी बड़ी सिफारिश लगवा लें हमसे दो हाथ आगे ही रहेंगे। माही फिर भी रिपोर्ट तो करवानी थी ना यार, मतलब कल को कोई नुकसान पहुंचाते हैं वो लोग तो पुलिस के पास एविडेंस तो होगा ना। सही कहते हैं लोग, ऐसे लोगों के तो हाथ में होता है कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं हो। लेकिन तुम भी एहतियात करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी है तुमने। I'm serious. और किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इतनी पाबंदियां? पाबंदियां नहीं है, एहतियात करने को कह रही हूँ। माही, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, जब तक वो नहीं चाहेगा हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस बात पे यकीन है ना? कुछ नहीं हो। क्या हो गया या अल्लाह, लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे नीलो फोन उठा लो भाई। क्या हो गया इस लड़की को, इसका फोन क्यों बंद हो गया? अम्मी बाबा एक क्या हुआ, परेशान क्यों है? अरे नीलो को फोन कर रही हूँ, इतनी देर हो गई, यूनिवर्सिटी से अभी तक वापस नहीं आई। वो एक्स्ट्रा क्लास होगी। अरे ऐसा कुछ होता ना साथ तो मुझे फोन करके अभी तक बता चुकी होती वो। अच्छा आप बैठे, मैं कॉल करता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है मैंने उसे फोन नहीं किया होगा? फोन कर चुकी हूँ, फोन नहीं उठा रही है, बंद जा रहा है उसका फोन। अरे बेटा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम ऐसा करो बस। अच्छा, तुम जाओ। जाता हूँ, लेकिन आपने उसकी दोस्त सेवा से पूछा, उसके साथ तो होती है हर वक्त बात हो गई है मेरी उससे, वो तो आज बहुत जल्दी घर वापस आ गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आखिरी क्लास भी नहीं ली उसने। अब जाओ ना बेटा प्लीज। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, देखता हूँ देखता हूँ। अल्लाह खैर करना। Thank you.
सकता हूँ। उनको सर एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। सर एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है, प्लीज थोड़ा जल्दी कर। और तेरा मतलब क्या है? और जब तेरा दिल चाहता है थाने में उठा के आ जाता है। ओए ये थाना है और तेरा ससुराल नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। किस चीज की रिपोर्ट? मेरी बहन का कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे लग रहा है कि उसे किसने किडनैप किया। और कभी तेरी बीवी गायब हो जाती है और कभी तेरी बहन गुम हो जाती है, और चक्कर क्या है तेरे साथ? मैंने आपसे कहा ना कि रिपोर्ट दर्ज करवानी है। आप कर रहे हैं आपके ऑफिसर से बात करूं? ओ भाई आराम से बैठ जा। और जिसकी बहन गुम हो ना वो ऊंची आवाज से बात नहीं करते। बैठ जा आराम से। हेलो जमी आ गई? ठीक है मैं आ रहा हूँ। लो जी खुद ही गुम हुई और खुद ही आ गई, और तुम आगे हमारा दिमाग खराब करते। बस लेटू, बस कर दो बेटा बस। चलो आई फिर। लो, अरे कुछ तो बोलो बेटा, क्या हुआ है? ले लो, क्या हुआ था? मैं यूनिवर्सिटी से निकली थी, अचानक सामने एक गाड़ी आई, उसमें से दो लड़के निकले और मुझे गाड़ी में डाल दिया और ले गए। तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्होंने? नीलो पूरा दिन मुझे गाड़ी में घुमाते रहे और मेरे सुनसान जगह पे छोड़ दिया। तेरा लाख लाख शुक्र, इतना दूर पैदल चल के घर पहुंची हूँ। शुक्र है मेरे मालिक, एहसान है इसने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर कुछ हो जाता तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहते। ऐसा कौन हो सकता है कि लेके चला जाए, कुछ लेना ना कुछ छीने? आखिर कौन लोग हो सकते साल? वही होगा अम्मी जिसने हमारी जिंदगियां बर्बाद करने की ठान ली है। जिंदगी तो हमारी बर्बाद ही हुई गई है साथ तुम इस लड़की की वजह से ना, हम सबकी जान खतरे में डालोगे। अम्मी बस बहुत हो गया, इसे निकालो यहाँ से। और रफिया हाथ पकड़ो अपनी बेटी का और जाओ यहाँ से, लेकर जाओ इसे। वाह भाभी वाह, अपनी बच्ची की करतूतों का इल्जाम आपने मेरी बच्ची पे रख दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरी बच्ची पे तो आपको इल्जाम लगाते जबान नहीं थकती, अपनी बेटी से ना तफ्तीश तो कीजिए। तुम कहना क्या चाह रही हो? अरे अगवा हुई थी, लड़के कौन थे जानती थी का? अम्मी बस कर दे, आप उसकी हालत नहीं देख रही है। हाँ माहिर मैं देख रही हूँ उसकी हालत, लेकिन अगर इसकी जगह तुम होती तो कितने प्यार से तुम्हें बिठा के कोई पूछता? पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगते तुम पर। दूसरों की बच्ची पे कीचड़ उछालना आसान होता है, लेकिन जब अपनी बच्ची के दामन पे कीचड़ की छींटे लगती है ना तो दिल दहल जाता है। क्यों भाभी? प्लीज बस कर दे अम्मी, इस घर में कम मसले जो आप ये सब लेकर बैठ गई है। मेरी बात पे इस घर में किसी को भी यकीन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि नीलू झूठ नहीं बोल रही। हम औरतों के सर ना तोहमतों को पहाड़ खड़ा करना बहुत आसान होता है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज बस कर दे। ये होती है तरबियत, देख लें। आ
मेरे पास माहिर और अरीब की कुछ पर्सनल पिक्चर नहीं। गुस्सा नहीं करो साथ, गुस्सा मुझे भी आ सकता है, और अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारी बीवी का बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। बेहतर हूँ। आपका शुक्र है नीलू, तुम सही सलामत वापस आ गई। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एतबार बहुत बड़ी चीज होती है भाई। आपने और अम्मी ने एक दफा भी मेरे किरदार पर शक नहीं किया, माहिर ने भी नहीं किया। नीलू, माहिर से गलतियां हुई हैं, लेकिन मोहब्बत करना उसका कसूर नहीं था। जिन हालात में हमारी शादी हुई है, कसम से वो सब कुछ बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। को पूरा यकीन है वो आपसे मोहब्बत करती है? अब है यकीन। उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत को महसूस किया है, उस एहसास को देखा है जिसकी हमेशा से ख्वाहिश की है। यही चाहती थी ना तो सब कुछ हुआ है ना नीलो, माही की वजह से नहीं। अगर इसकी कोई वजह है तो वो लड़का अरीब है। दुआ करो, दुआ करो कि किसी तरह हमारी उससे जान छूट जाए। Thank you.
मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। क्यों? अल्लाह हमारे साथ है नीलो, कुछ बुरा नहीं हो। सुना है कल रात कोई वाकया पेश आ गया था घर में। क्या मतलब है, कैसा वाकया? यही कि नीलो घर से गायब थी, साथ गया था थाने में रिपोर्ट लिखवाने। ये सब चल क्या रहा है तुम्हारे घर में? ये सब किसने कहा तुमसे? लो भाई, मोहल्ले में कोई बात छुपी रहती है क्या? बताओ ना कहाँ गई थी। वालेकुम सलाम। कहीं भी नहीं थी वो, असल में उसकी यूनिवर्सिटी का कोई फंक्शन था इसलिए देर हो गई थी, फोन भी उसका बंद हो गया था तो हम परेशान हो गए थे इसलिए। लेकिन मोहल्ले वालों को भी देखकर बात करनी चाहिए ना, आपका भी बेटियों वाला घर है, फिर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अरे बेटा, मैं तो वैसे ही पूछने चली आई कि सब ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल, सब कुछ ठीक है। अरे बेटा, मैं तो तुम लोगों को अपने बच्चों की तरह समझती हूँ इसलिए इतना खुलकर बात कर लेती हूँ। वैसे तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है, लगता है अब तक इस घर में दिल नहीं लगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। खैर से सुहागन हो मगर लगता ही नहीं है कहीं से। अरे आजकल तो कुंवारी लड़कियां इतना बनाव सिंगार करके रखती हैं। साथ तुम कहते नहीं अपनी बीवी को, ये अब तक कुछ दिलाया नहीं बेचारी को। नेक्स्ट टाइम आपको बिल भेज दूंगा, ओके? अरे ये क्या तरीका। मैं तुमसे कुछ बात करनी थी, मैं आती हूँ। अनीसा, कोई खुशखबरी है क्या? कैसी खुशखबरी? अरे भाई, दादी बनने की खुशखबरी। मैं तो मिठाई का इंतजार करते करते खुद ही पूछने चली आई। इफ़त, अगर कोई खुशखबरी होगी ना तो मिठाई खुद लेकर आऊँगी तुम्हारे घर, तुम्हें आने की जहमत नहीं दूंगी। लगता है तुम्हें बुरा लग गया, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। ऐसी बात नहीं है। खैर ये बताओ, चाय पियोगी? नहीं अब मैं चलूँगी। जी मैं तुमसे बहुत बदतमीजी की और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। शादी करोगी मुझसे? मुझसे शादी करोगी? तुम मेरा जवाब जानते हो, क्यों रहे हो? साथ दोगी मेरे? फिर भरोसा करके तो देखो। मैं मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, टूट चुका हूँ। माहिर के चक्कर में मैंने बाबा को भी खो दिया, मॉम से भी हमेशा लड़ाई करता रहता हूँ। हमारे साथ प्यार ट्यू ठीक नहीं था। मैं तुम्हारे साथ मूव ऑन करना चाहता हूँ फाहा, लेकिन जब तक वो खुश है ना तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा।
अपने माही को उसी तकलीफ में से गुजारना चाहता हूँ जिस तकलीफ में से उसने मुझे गुजारा है, क्योंकि अगर वो मेरी नहीं हो सकी वो किसी और की भी होगी। साथ दोगी मैं मीशा, क्योंकि जितनी शिद्दत से तुमने माहिर को चाहा था उससे कहीं ज्यादा शिद्दत से मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। शकीला, खाला भी ना बहुत बड़ी खबरी है, मुझे लगता है उन्होंने मोहल्ले में ना जासूस छोड़े हुए अपने। नीलू की बात खत्म करते ही मुझ पर आ गई, बहुत तेज है। ऐसे ठीक तो कह रही थी वो। क्या ठीक कह रही थी? यार तुम लगती नहीं हो मैरिड। ये भी ज्वेलरी नहीं है, कुछ और है। मीन सचती सवरती नहीं हो, चूड़ियां तक नहीं है। इमेजिन जाओ अंदर, ड्रॉअर से चूड़ियां लेकर आओ। रेडी? जाओ सिल्वर कलर के ना। सारे काम मैंने तो करने हैं। कहाँ है? ड्रॉअर में। राइट वाली? अच्छा यार। लगा। ये लो। पहले पहनती थी ये चूड़ियां, लेकिन शोर बहुत करती हैं, तो नहीं पहनी। अच्छा लगता है मुझे इनका शोर। उतारना मत, ओके? और कल यूरोप भी जाएंगे। नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है। है, अच्छे से इयररिंग्स लेना। एक्चुअली मेरी गलती है, मैंने कभी तुम्हें कुछ दिलाया ही नहीं। कल जाएंगे पक्का। लेकिन याद रखना बिल इफ़त खाला को देना। बस कर दो रही, तुम्हारी जिंदगी उस लड़की तक महदूद होके रहेगी अगर सोचे समझे जो जी में आता है करते फिरते हो तुम। आप पर जो गया हूं अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर बैठता हूं। क्यों नहीं समझ में आ रहा कि वो लड़की शादीशुदा है? जानते हो कितना बड़ा गुनाह है? नहीं मानता मैं शादी को, उसे धोखे के ऊपर बनी हूँ। और गुनाहों की बात तो आप ना ही करें, मुझे और माहिर को अलग करना सबसे बड़ा गुनाह था और इसका कफारा किसी को तो देना होगा। ये सजा काट रही हूँ, तुम्हारे अब्बा मुझे छोड़ के चले गए, मेरा बेटा मुझसे छीन गया और मुझे कितनी सजा दोगे? तो मैं एक सांस भी इस मोहब्बत का अंजाम क्या होने वाला है? Do you have any idea? अरे can you just listen to me? तुम लगती नहीं हमारे सचती सवरती नहीं हो, चूड़ियां तक नहीं है।
पहले पहनती थी ये चूड़ियाँ, लेकिन शोर बहुत करती हैं तो नहीं पहनी। अच्छा लगता है मुझे इनका शोर, घुमताड़ना ओके। चाय बना रही हूँ, पियोगी? नहीं, मैं कॉफी बना रही हूँ अपने और साथ के लिए। और सैंडविचेस बना रही हूँ, खाओगी? हाँ खा सकती हूँ, मुझे सैंडविचेस पसंद है। ठीक है मैं बना रही हूँ। कुछ हेल्प चाहिए? नहीं ठीक है। अच्छा सुनो, वो कॉफी में चीनी कम रखना, तुम बहुत मीठी कर देती हो। हेलो साहब, कैसे हो? कोई जवाब ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, दैट्स ओके। मैं भी यहाँ पे चिट चैट के लिए तो नहीं आई, एक बहुत ज़रूरी काम से आई। एक्चुअली तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो दैट्स ऑल राइट। यू नो आजकल तो वो सोशल मीडिया पे इतने ट्रेंड्स चल रहे होते हैं एंड ऑल, सो वहाँ भेज दूँगी। चलो एटलीस्ट तुमने जवाब तो दिया। एक्चुअली मेरे पास माहिर और अरीब की कुछ पर्सनल पिक्चर नहीं। गुस्सा नहीं करो साथ, गुस्सा मुझे भी आ सकता है, और अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारी बीवी का बहुत नुकसान हो जाएगा। ये मेरा कार्ड है, इस एड्रेस पर शाम को पहुंच जाना, वरना तुम खुद समझदार हो। इस एड्रेस पर शाम को पहुंच जाना, वरना तुम खुद समझदार हो। इकरार हुआ था, इकरार हुआ था।